प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ के एमसीक्यू करवाऊंगी। इस कविता में कवयित्री के आशावादी विचार प्रकट हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मधु कांकरिया, जया जादवानी। इसका सही उत्तर आएगा जया जादवानी। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की लेखिका जया जादवानी है। नेक्स्ट, चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका, पत्ती, पतंग, टहनी। इसका सही उत्तर आएगा तिनका। चिड़िया की चोंच में क्या है? तिनका। नेक्स्ट, चिड़िया चोंच में तिनका लेकर किसकी तैयारी में है? उड़ने की, चुगने की, चहचाने की, बैठने की। इसका सही उत्तर आएगा उड़ने की। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। नेक्स्ट, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? क्योंकि पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को सहारा देना चाहती है, क्योंकि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से समाचार लाना चाहती है, क्योंकि मैं उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है, क्योंकि अभी भी सर्दी पड़ रही है। इसका सही उत्तर आएगा क्योंकि मैं उस तिनके से अपना घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। नेक्स्ट, यह सबसे कठिन समय नहीं पंक्ति का आशय क्या है? हमें वर्तमान को निराशावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, कविता के अनुसार अभी भी हाथ किसे थामने को बैठा है? पत्ती को, रेलगाड़ी को, तिनके को, चिड़िया को। इसका सही उत्तर आएगा पत्ती को। कविता के अनुसार अभी भी हाथ पत्ती को थामने को बैठा है। नेक्स्ट, रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? अंतरिक्ष तक, गंतव्य तक, अगले स्टेशन तक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा अपने गंतव्य तक। रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? अपने गंतव्य तक जाती है। गंतव्य का क्या अर्थ है? चलने का स्थान, इंतजार करने का स्थान, पहुंचने का स्थान, यात्रा। इसका सही उत्तर आएगा पहुंचने का स्थान। गंतव्य का क्या अर्थ है? पहुंचने का स्थान। नेक्स्ट, अभी भी किसका आखिरी हिस्सा सुनाया जाता है? कथा का, रेलगाड़ी का, चिड़िया का, पत्ती का। इसका सही उत्तर आएगा कथा का। अभी भी कथा का आखिरी हिस्सा सुनाया जाता है। नेक्स्ट, कविता के अनुसार कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुन रही है? सॉरी, कविता के अनुसार कथा का आखिरी हिस्सा कौन सुना रही है? दादी माँ, बूढ़ी नानी, बुआ, माताजी। इसका सही उत्तर आएगा बूढ़ी नानी। कविता के अनुसार कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है। नेक्स्ट, कथा का आखिरी हिस्सा किसे सुनाया जाता है? आसमान को, चिड़िया को, दुनिया के तमाम बच्चों को, लेखिका को। इसका सही उत्तर आएगा दुनिया के तमाम बच्चों को। कथा का आखिरी हिस्सा दुनिया के तमाम बच्चों को सुनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबरें कौन लेकर आती है? पत्ती, चिड़िया, रेलगाड़ी, बस। इसका सही उत्तर आएगा बस। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर बस लेकर आती है। नेक्स्ट, लोग अपनों को घरों में कब देखना चाहते हैं? सूरज छिपने से पहले, सूरज उगने से पहले, वर्षा होने से पहले, गर्मी बढ़ने से पहले। इसका सही उत्तर आएगा सूरज छिपने से पहले। लोग अपनों को घरों में सूरज छिपने से पहले देखना चाहते हैं। नेक्स्ट, कविता के अनुसार अभी भी भीड़ कहाँ पर है? बाजार में, चौराहे पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। इसका सही उत्तर आएगा स्टेशन पर। कविता के अनुसार अभी भी भीड़ स्टेशन पर है। नेक्स्ट, सूरज के डूबने का वक्त हो गया, पंक्ति का मूल भाव क्या है? यह पंक्ति बाहर गए हुए लोगों को वापस आने का संदेश देती है। यह हमें बताती है घर लौटने का समय हो गया, घर पर कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कविता में बस अंतरिक्ष के पार से किसकी खबर लेकर आती है? बचे हुए लोगों की, सूरज की, चिड़िया की, गिरती हुई पत्तियों की। इसका सही उत्तर आएगा बचे हुए लोगों की। कविता में बस अंतरिक्ष के पार से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। नेक्स्ट, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वर्तमान समय को सबसे बुरा समय बताना, समय को कठिन समझना चाहिए, मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना है,
यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देना है।